अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई भी एकदम फिट फाट ठीक ठाक खैरियत से। तो गाइस जो आज आपके लिए बिल्ड आया हूँ, जैसे मैंने लास्ट वीडियो के एंड में बताया था कि चीपेस्ट बिल्ड आया हूँ जो कि अभी तक मेरी वेबसाइट पे या मेरी इस पे पेज फेसबुक पेज पे या यूट्यूब वगैरह पे नहीं थी। और अगर इसको कंपेयर किया जाए टुडे की मार्केट जो डॉलर रेट चल रहे हैं उसके हिसाब से ये काफ़ी कंपेटेबल भी है, बजट फ्रेंडली भी है, ईजी टू यूज़ भी है। इसके अलावा इसके अंदर गेमिंग भी अच्छी हो सकती है और रेंडरिंग भी छोटे मोटे काम कर सकते हैं। तो जो आज की बिल्ड है वो इस चीज़ की बिल्ड है जो लोग चाहते हैं कि शशका नहीं हो। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि शशके वाली बिल्ड बनाई थी, शशके से मुराद आरजीबी लाइट्स हो गई, केसिंग हो गई, इन्हेंसमेंट हो गई। अगर जो लोग इन्हेंसमेंट नहीं चाहते, आरजीबी के शौकीन नहीं है, वो चाह रहे हैं कि यार चीज़ मेरी भले दिखने में कैसी भी हो लेकिन परफॉर्मेंस वाइज ऐसी हो कि अगर मैं किसी ऐसी मशीन से कंपेयर करूँ जो कि भाई गेमिंग अच्छी चल रही है तो उसके कंपेरिजन में मेरी मशीन का भी शुमार हो। तो जो आज की बिल्ड है वो इसी चीज़ पर बेस करती है, क्योंकि इसके अंदर जो हम लोग केसिंग यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग बिल्कुल एवरेज केसिंग यूज़ करेंगे। और इसके अलावा बिल्कुल लोएस्ट स्पेक्स में जो टॉप ऑफ द लाइन बिल्ड हो सकेगी ना, जो लोएस्ट में जो अच्छी से अच्छी चीज़ जो कि गेमिंग के लिए नेसेसरी है वो चीज़ मैं आपके लिए बताऊंगा और वही चीज़ बिल्ड करूंगा। तो विदाउट फर्दर डिले अपनी चीज़ को स्टार्ट करते हैं। खैर आज की वीडियो थोड़ी शॉर्ट होगी, इसलिए शॉर्ट होगी क्योंकि काफ़ी सारी हर बार मैं वीडियो में सेम चीज़ें दिखा देता हूँ, जैसे सैमसंग की SSD हो गई, 500 GB हार्ड ड्राइव हो गई न्यू वाली वगैरह। तो ये जब मैं दिखाता हूँ उसके बाद लगाता हूँ तो काफ़ी सारी मेरी वीडियो ना इसी के अंदर निकल जाती है कि मैं इसके लिए डिस्क्राइब करता हूँ, हर चीज़ के बारे में पर्टिकुलर बताता हूँ, देन इसके अंदर लगाता हूँ। तो ये आज मैंने प्रीबिल्ड कर लिया, सिर्फ GPU नहीं लगाया हुआ, GPU लगा के ड्राइवर करने एंड देन गेमिंग में आपको बेंचमार्क दिखाना है। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ इसकी स्पेक्स क्या क्या है और ये चीपेस्ट किस हिसाब से, और इसको कंपेयर करेंगे मेरी जो लास्ट बिल्ड से जो कि 43,500 या 42,500 की बिल्ड थी जिसने RGB वगैरह थी, उसके कंपेरिजन के बिल्कुल इक्विवेलेंट मशीन है। बस इसके अंदर ये है, इसके अंदर RGB की हमें शशके नहीं मौजूद, RGB की इन्हेंसमेंट लगी हुई, लाइट्स वगैरह केसिंग वगैरह RGB नहीं है। अच्छा, अगर लोग ये वाली मशीन बिल्ड कर लेते हैं और इसके बाद RGB में शिफ्ट करना चाहते हैं तो इसको RGB में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं इसकी स्पेक्स बताता हूँ उसके बाद फर्दर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इसकी स्पेक्स ये है, इसके अंदर TG की नॉर्मल केसिंग यूज हुई है जो कि एवरेज केसिंग होती है ग्लोसी सीरीज में। तो ये है कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है लेकिन मुझे बजट के हिसाब से मिल गई और मेरे बल्क में पीस पड़े हैं तो आपके हिसाब से भी मुझे फायदा हुआ तो आपको भी फायदा होगा। ये आपको केसिंग मिल जाएगी मार्केट में अराउंड 1500 की मिलेगी। ये है कि अगर आप शाहरुख शाह इंटरप्राइज के से परचेस करते हैं तो आपको 1000 केसिंग पड़ जाएगी। इसके अलावा जो इसके ना बोर्ड लगा हुआ है वो लगा हुआ है H81 का मोबो, यानी H81 जो सीरीज जो जानते हो यानी जानते हो 4th जनरेशन कम्पेटेबल मदरबोर्ड होता है। इसके ना i3 i5 i7 के 4th जनरेशन के प्रोसेसर लग जाते हैं और K सीरीज भी सपोर्टेबल होते हैं। तो इसके अंदर बोर्ड लगा हुआ है H81 मोबो और विद फैन, ये आपको बोर्ड पड़ेगा अराउंड मार्केट में 4500 का। इसके अलावा जो इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है उन्होंने लगाया हुआ है i5 4590। अब अच्छा मैं बताता चलूँ, मैंने पहली वीडियो में भी डिस्क्राइब किया हुआ है कि i5 के अंदर बहुत सारी सीरीज आती है, जो मैं कस्टमर को जो देता हूँ, जो मुझे मेरे पास ज़्यादा अरेंज, जो मैं अपने पर्सनली चाहता हूँ कि मेरे पास अरेंज हो जाए ताकि आपको फायदा हो, वो प्रोसेसर है 4570 और 4590। ये वो प्रोसेसर है जिसकी टर्बो स्पीड 3.6-3.7 होती है और बेस स्पीड 3.2 या 3.3 GHz होती है। इससे ये फायदा होता है कि i5 4th जनरेशन के दूसरे प्रोसेसर के मुकाबले में ये प्रोसेसर थोड़ा फास्ट होता है और गेमिंग के हिसाब से ज़्यादा कंपेटेबल होता है। इसके अलावा इसके अंदर रैम पे चलते हैं, पहले मैं प्रोसेसर का रेट बता देता हूं। जो प्रोसेसर के रेट है इसके अंदर जो यूज़ हुआ है वो 9000 का हुआ है। इसके बाद मैं आपको लमसम रेट भी बता दूंगा, मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बता रहा चल रहा हूँ क्योंकि मैं हर चीज़ शो नहीं करा रहा। ये है कि मैं जब PC ऑन करूँगा तो आपको सब चीज़ें दिखा दूँगा। फिर इसके अंदर जो रैम लगाई हुई है वो मैंने रैम लगाई हुई है न्यू 1 ईयर वारंटी वाली किंगस्टन की 8GB सिंगल चिप 1600 MHz। ये मार्केट में आपको मिल जाएगी अराउंड 4500 की और कहीं से अगर लेना चाहेंगे तो शायद 5000 की मिल जाए। ये बेस्ट करता है कि शॉपकीपर पे वो कितना प्रॉफिट रख रहा है, अपने प्रॉफिट मार्जिन क्या है। ये है कि 4500 की आपको मिल जाएगी क्योंकि हमारे पास बल्क पीसेज में आते हैं तो इसलिए प्रॉफिट मार्जिन कम भी होता है लेकिन डीलर के प्राइस से अच्छे होते हैं। फिर जो इसके अंदर SSD लगी हुई है, SSD इसके अंदर लगाई हुई है सैमसंग की जो मैंने पहले वीडियो में दिखाई हुई। अब मैं हर चीज़ आपको इससे नहीं दिखा रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मैं एक एक चीज़ को कैमरा करीब ला के जाती है, फिर इसकी वजह से काफ़ी सारे लोग डिस्टर्ब भी होते हैं। जो इसके अंदर SSD लगी हुई है वो मेरी लास्ट वीडियो में जो लगाई थी सैमसंग वाली वही लगाई हुई है। इसके अंदर 128 GB 1 ईयर वारंटी वाली जो कि 3500 की मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसके अलावा जो इसने हार्ड ड्राइव लगी हुई है वो लगी हुई है 500 GB Seagate की, वो भी मार्केट में मेरे ख्याल से 1 ईयर वारंटी वाली 2500 तक की आपको मिल जाएगी। इसके अंदर पावर सप्लाई जो मैंने यूज़ की हुई है वो एवरेज पावर सप्लाई है जो कि TG गेसिंग के साथ आ जाती है या कस्टम बिल्ड की जो नॉर्मल सप्लाई होती है, चाइनीज सप्लाई भी जिसको कहते हैं लेकिन अच्छी क्वालिटी वाली जो 80+ होती है वो इसके अंदर लगी हुई है जो कि मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी 2000 की 2500 की। ये है कि मैंने जो इसके लगाई हुई है तो मैंने हर चीज़ बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन के साथ चलता हूँ क्योंकि यूट्यूब के हिसाब से चल रहा हूँ और प्रॉफिट मार्जिन भी कम रखना है ताकि आपको ज़्यादा फायदा हो। तो ये है कि अगर आप ये PSU के रेट अगर एक्सटर्नल लगाएं तो आपको अराउंड 2000 की पड़ जाएगी। फिर इसके जो ना लास्ट चीज़ है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैंने आपको इसलिए लगाई नहीं है, प्रीबिल्ड नहीं की, मैंने बोला आपको दिखा दूंगा क्या चीज़ लगा रहा हूँ और मतलब किस हिसाब से लगा रहा हूँ तो आपको आइडिया भी हो जाएगा।
और आप देख भी लेंगे चीज को, फिर मैं आपको उसकी बेंचमार्क भी दिखा दूंगा। जो इसके कार्ड पे यूज कर रहा हूँ वो मैं यूज कर रहा हूँ AMD का रेडियन HD 6850। इसकी स्पेक्स ये है 1 GB 256 bit एंड GDDR5 होता है। अच्छा, ये कार्ड यूज करने की वजह ये है कि अगर मैं इस कार्ड को कंपेयर करूंगा GTX 750 2 GB के कार्ड से, जो कि मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है 18,000-19,000 रुपए का, जो इस वक्त मार्केट के करंट रेट चल रहे हैं, तो वो 18,000-19,000 रुपए का कार्ड है। और मैं उस कार्ड को अगर इस कार्ड से कंपेयर करूँ 6850 के, इस कार्ड के रेट है मार्केट में 8,500, लेकिन इसके कंपेरिजन में वो कार्ड इक्विवेलेंट है। यानी कि अगर मैं ये लगा दूं और एक मशीन में GTX 750 लगा दूं 2 GB 128 GB DDR5 का कार्ड, दोनों की परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादा उससे अच्छी परफॉर्मेंस देगा या इसके इक्विवेलेंट होगा। इसकी वजह ये है कि ये है तो ओल्ड डेटेड कार्ड, लेकिन ये अपने टाइम के टॉप ऑफ द लाइन कार्ड में शुमार होते हैं। यानी जो 6000-7000 की सीरीज थी ये काफी पॉपुलर सीरीज थी, क्योंकि इसमें जो गेमिंग होती थी ये AMD ने उस टाइम पे बहुत हैवी कार्ड बनाए हुए थे। जैसे आजकल के टाइम पे बोल लो यार, मैंने यार 6600 XT बोल रहा हूँ, 6500 XT बोल रहा हूँ, क्या मुझे पता है कि यार हैवी कार्ड होता है, अच्छी गेमिंग होगी, तो इस हिसाब से ये अपने टाइम के वो कार्ड है, टॉप ऑफ द लाइन यानी बोस कार्ड के लिए इसको। तो ये कार्ड मार्केट में आपको 8500 का मिल जाएगा। अच्छा, मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ 750 से, 750 के कूडा कोर होते हैं 720 और इसके अंदर एक्सट्रीम प्रोसेसर होते हैं 960, इस वजह से इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है और प्राइस रेंज के हिसाब से भी कम है, क्योंकि 1 GB का है और थोड़ा सा ओल्ड डेटेड कार्ड है। लेकिन ये है कि गारंटीड है कि आपकी 2019-2020 तक की गेम लो पे भी, जो कि हाई डेफिनेटली हाई लेवल गेम होती है और हाई ग्राफिक गेम होती है, उसको लो पे चला देगा, इजीली चला देगा विद 60 फ्रेम, जैसे फायर क्राई हो गई, इसके अलावा RDR2 भी हो गई, वो भी शायद लो पे रन कर दे, GTA 5 हो गई, स्लीपिंग डॉग्स हो गई, वॉच डॉग हो गई, उसके कार्ड के हिसाब से, जो GTX 750 कार्ड चला देगा ना उसके हिसाब से ये कार्ड आराम से गेम चला देगा। बाय द वे, जो इसके ना मैं आपको बेंचमार्क दिखाऊंगा, लास्ट वीडियो में मैं आपको ऐसी एक बिल्ड की थी जिसके ना GTX 550 Ti लगाया था, 550 Ti को कंपेयर करो तो 550 Ti इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है 6500, जो मैंने लास्ट बिल्ड में लगाया था, ये वाला मार्केट में अवेलेबल है 8500, तो डेफिनेटली ये कार्ड 550 Ti से बेहतर होगा। और अगर इसके बेंचमार्क को मैं कंपेयर करूँ, जैसे मैंने आपको GTA 5 के लास्ट वीडियो में दिखाया था, इस वीडियो में मैं आपको स्लीपिंग डॉग्स का बेंचमार्क दिखाऊंगा, तो जो GTX 550 Ti का बेंचमार्क है ना, उससे ऊपर इसका बेंचमार्क होगा, इतनी गारंटी है। बाकी जो मैं बेंचमार्क दिखाऊंगा उसके ना आप खुद भी कंपेयर कर सकते हैं मेरी लास्ट वीडियो से। हाँ, अगर लोग मुझे बोलते हैं कि यार आप गेमिंग ज्यादा नहीं दिखाते या बेंचमार्क कुछ ज्यादा गेम्स के नहीं दिखाते, पर्टिकुलर चीजों के नहीं दिखाते, तो यार YouTube जिंदाबाद, YouTube पे सर्च करें आप 6850 रेडियन, तो आपको 2021 के जितने भी गेम्स होंगे या 2021 के साथ जो भी कंपेटिबिलिटी के गेम होंगे वो आपको YouTube पे आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसके ना फर्दर गेमिंग नहीं कर रहा, मेरा टेक चैनल है, तो टेक्निकल हिसाब से मैं जितना अच्छा गाइड कर सकता हूँ, तो मैं खाली एक आपको फेवर के लिए मैं आपको एक बेंचमार्क वगैरह दिखा दूँ, जिसके अंदर ये प्रूफ भी हो जाता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ मैं अपनी बात पे वैलिड हूँ। तो विदाउट फर्दर डिले मैं इसको, फिर पीसी तो हमारा बिल्ड है, खाली कार्ड इंस्टॉल करना है, गेम का मैं आपको बेंचमार्क दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग एंडिंग प्रोसेस पर चलते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी बिल्ड रेडी है, ये रहा प्रोसेसर हमारा Core i5 4590 3.3 GB अप टू टर्बो होता है 3.7 या 3.8 GHz तक, वर्चुअलाइजेशन भी होती है और हाइपर थ्रेडिंग भी होती है इसमें। इसके बाद हमारी 8 GB रैम आ गई, 64 bit की विंडोज है हमारी, जो कि नॉर्मली मैं यूज करता हूँ वो आ गई। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको कार्ड की भी स्पेक्स दिखा दूं, कार्ड की स्पेक्स देख लें, ये रहा कार्ड का स्पेक्स 6850 6000 सीरीज प्राइमरी सीरीज होती है, ये रहे इसकी मेमोरी क्लॉक, कोर क्लॉक, इसके अलावा इसकी GDDR5 मेमोरी 1024 MB यानी 1 GB, इसके अलावा यहाँ पे बिट शो नहीं कर रहा, लेकिन बिट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, नहीं तो आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं, 256 bit होता है। अब ये रही हमारी सिस्टम बिल्ड, हमारी रेडी हो चुकी है, अब मैं खाली आपको बेंचमार्क दिखाने हैं, देन हम लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, तो इसलिए मैं आपको सीधा विदाउट फर्दर डिले बेंचमार्क की तरफ हम लोग चलते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी गेम ऑन हो चुकी है, मैं इसके अंदर आपको सबसे पहले इसकी ग्राफिक सेटिंग दिखा दूँ, जो इसने खुद ही जो इसकी रिकमेंडेड होती है कार्ड के हिसाब से वो इसने उठाई भी है। 1080p 60Hz पे हमारा मॉनिटर है, वही 1080p पे चल रहा है यानी फुल HD पे। इसके अलावा मैं आपको एडवांस ग्राफिक दिखा दूँ, इसके अंदर सब चीज़ें नॉर्मल पे हैं और कुछ चीज़ें लो पे हैं, अगर आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अभी मुझे आपको बेंचमार्क दिखाना है, तो जितना अच्छा स्मूथ बेंचमार्क हो उतना ज़्यादा बेहतर है। बाकी आप अप टू इससे आइडिया लगा सकते हैं कि अगर मैं थोड़ी सी रैम थोड़ी सी ग्राफिक बढ़ाऊंगा तो कितने मेरे बेंचमार्क में फर्क आएगा, कितने मेरे फ्रेम में फर्क आएगा। तो विदाउट फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपने बेंचमार्क मोड की तरफ और आपको आइडिया हो जाएगा क्या बेंचमार्क दे रहे हैं।
सो गाइस देख सकते हैं हमारी बिल्ड वगैरह कंप्लीट रेडी है। मैंने आपको बेंचमार्क भी दिखा दिया, मैंने आपको फ्रेम भी दिखा दिया कितने अच्छे फ्रेम आ रहे हैं। अगर यही मैं दूसरी गेम्स चलाऊँ तो उसके ना और ज़्यादा अच्छे फ्रेम्स आएंगे। और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो यार इसके ना आप जो RDR2 वगैरह ये भी लो पर चला सकते हो, लेकिन मैं फ्रेम की गारंटी नहीं देता, लेकिन ये 30 फ्रेम वगैरह दे देगा आपको लो पे। अच्छा, और अगर इसकी कंपैरिजन में मैं दूसरी मशीन से इसको कंपेयर करूँ तो ये इसको चीपेस्ट इसलिए इसके अगर लमसम की बात करूँ, मैं आपको दोबारा इसकी स्पेक्स रिपीट कर देता हूँ, फिर इसके लमसम प्राइस भी बता देता हूँ। इसकी स्पेक्स ये है, TG की केसिंग आ गई नॉर्मल, इसके अलावा इसके अंदर H81 का मदरबोर्ड आ गया, फिर इसके अंदर आ गया i5 4th generation का प्रोसेसर जो कि मैंने आपको दिखा दिया 4590 था। इसके अलावा इसके अंदर 8GB की न्यू रैम आ गई 1 ईयर वारंटी वाली। इसके अलावा इसके अंदर आ गई 128GB की SSD सैमसंग वाली, वो भी न्यू है 1 ईयर वारंटी वाली। इसके अलावा इसके अंदर न्यू आ गई हमारी Seagate की हार्ड ड्राइव 1 ईयर वारंटी वाली। इसके अलावा इसके अंदर जो पावर सप्लाई लगी हुई है वो लगी हुई है 350 वाट वाली। फिर जो इसके ना कार्ड लगाया वो मैंने कार्ड लगाया HD 6850। अगर ऐसे प्राइस कंपेयर करूँ तो केसिंग के प्राइस 1000 रुपये हो गए, इसके अलावा मदरबोर्ड में चलेगा तो 5000 रुपये का मदरबोर्ड हो गया, इसके अलावा प्रोसेसर पर चलेगा तो 9000 रुपये का प्रोसेसर हो गया, रैम हमारी 5000 रुपये की हो गई, SSD हमारी 3500 रुपये की हो गई, हार्ड ड्राइव हमारी 2500 रुपये की हो गई और कार्ड हमारा 8500 रुपये का हो गया। टोटल लमसम पैकेज बनाया जाए तो इस वक्त ये पैकेज बन रहा है 36000 का, यानी अंडर 36000 या अंडर 40K भी कह सकते हैं। क्या 40K तो बहुत ऊपर निकल जाएगा, लेकिन अंडर 40K जो कि आजकल लोग जिस तरह की गेमिंग बनाना चाहते हैं ना, जिससे भी गेमिंग में जाते हैं तो अब सेम यही गेमिंग कर रहे होते हैं, GTX का कार्ड लगाते हैं, उनको आइडिया नहीं है, GTX का कार्ड लगाते हैं 2GB वाला 128 GDDR5 उनको कंपेयर करें इसके अंदर तो यही फ्रेम वो देगा, वही फ्रेम जो आपका वही कार्ड देगा, उसके अंदर आप 10000 रुपये 9500 रुपये ऊपर दे दोगे 18 का और ये 8.5 का, तो ये आप उसके पैसे ऊपर दे दोगे। इसके अलावा प्रोसेसर आपको वो हल्का लगा देगा, यही इस बजट में बन जाएगी आपकी चीज़ें, लेकिन प्रोसेसर वगैरह के हिसाब से अप डाउन हो जाएगी, मतलब एक परफॉर्मेंस एक होती है ना, प्रॉपर एक चीज़ चली होती है प्रॉपर नहीं होगी, वो फिर अप डाउन वाला हमारा चार्ट बनेगा, जिसके अंदर कोई चीज़ अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है कोई चीज़ कम परफॉर्मेंस दे रही है, वो चीज़ हो जाएगी। तो ये है कि इस वक्त ये 36000 की है, ये वो लोग इजीली अफोर्ड कर सकते हैं जो कि यार न्यू गेमिंग करना चाह रहे हैं या जो गेमिंग करना चाह रहे हैं लेकिन ईजिली अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन गेमिंग का शौक है तो ये वो बच्चे ये वो मतलब जो बंदे हजरात हैं जो कि एडोब वगैरह का छोटा प्रीमियर प्रो वगैरह का छोटा मोटा काम करना चाह रहे हैं, रनिंग करना चाह रहे हैं, उसके अंदर ये काम भी हो सकता है, तो वो जाते हैं बिल्ड वगैरह पे तो वो 55000-60000 रुपये की बिल बनाते हैं, जहाँ ये 36000 की आपको पड़ रही है इसके अंदर सब काम हो जाएगा, बस खाली ये इसके अंदर RGB वगैरह नहीं है। मैं मोस्टली केसिंग्स वगैरह बनाते रहता हूँ, जो मैं बिल्ड करता रहता हूँ उसके अंदर मैं न्यू केसिंग लगाता हूँ। ये है कि ये केसिंग अभी भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में हमारे पास है, कंटेनर्स में आती है तो हल्के फुल्के से इसके पास स्क्रैचेज होते हैं जो कि बेरेबल होते हैं, और ये अगर आप नीचे अपने जो आजकल मैं देख रहा हूँ जो मोस्टली लोग यूज़ कर रहे हैं कि नीचे फ्रेम आती है, फ्रेम के ऊपर ये आपका CPU आ जाता है तो दिखता भी नहीं है, खाली ऊपर LCD वगैरह माउस वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, वो तो आप चाहो तो RGB वगैरह भी और अच्छी चीज़ भी लगा सकते हो। खैर, अब मुझे लोग जो वीडियो बनाई है इसको शॉर्ट करने की वजह ये थी कि इसके अंदर मैं जो चीज़ें पहले हर वीडियो में एक ही चीज़ दिखाता हूँ कि मैं बल्क में चीज़ है और मैं हर बार अच्छी चीज़ लगा रहा हूँ, यानी सैमसंग की SSD मुझे पता है कि अच्छी है, टॉप ऑफ द लाइन है, इसे कंपेरिजन में लेक्सर पर जाऊँगा WD पर जाऊँगा तो परफॉर्मेंस नहीं देखी, हर बार मैं आपको सैमसंग SSD दिखा दूँ। अब यही टाइम बचाने के लिए मैंने थोड़ी सी ये की है कि मैंने पहले से सब चीज़ें बिल्ड कर दी, हमें लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं जो स्क्रीन लगाई वो इसने चीज़ लगाई थी, तो ये थी कि थोड़ा टाइम शॉर्टेज की वजह से इसके अंदर मैंने चीज़ें पहले ही प्री बिल्ड कर दी थी, इसकी वजह से आपका टाइम भी बचता, मेरा टाइम भी बचता और हमारी वीडियो भी शॉर्ट बनती और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती, इसकी वजह से आप बोर भी नहीं होते और आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी लगती और एक प्रोफेशनल वे भी हो जाता। अगर आप मुझे बोलेंगे कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, बोलेंगे पर्सनली यार हर चीज़ मुझे अलग अलग दिखाओ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो से वो भी कर लूँगा। ये एक वीडियो है, अगर आपको समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि भाई मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, मुझे आप कुछ दूसरी चीज़ देखना। इसके अलावा जो मेरे पास कार्ड्स आए हैं, इसके पहले मैंने एक वीडियो शूट की थी, इसके अंदर थोड़ा सा माइक वगैरह का इशू आ गया होगा, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया भी था, मैंने कार्ड की एक वीडियो शूट की थी, वो थोड़ी सी मेरी ये हो गई थी किसी के अंदर वॉइस आ रही थी किसी के अंदर वॉइस नहीं आ गई थी, तो वो हम लोग अपलोड नहीं कर सके। मेरे पास कार्ड की शिपमेंट आई है, इसके अंदर मेरे पास तकरीबन 250 से 300 कार्ड्स है और इसके अंदर 1GB भी है, 2GB भी है, 3GB भी है, 4GB भी है, सारे के सारे कार्ड्स आए हैं और सारे के सारे कार्ड टॉप ऑफ द लाइन है, ये कार्ड भी उसी कार्ड में से निकला हुआ है, तो मेरे पास कार्ड वगैरह की वीडियोस भी आएगी, कार्ड वगैरह भी आए हैं जिसकी वीडियो मैं इंशाल्लाह एक हफ्ते में जो भी मॉडर्न का टाइम चल रहा है इसके अंदर मैं एक हफ्ते में अपलोड कर दूंगा, क्योंकि छुट्टी वगैरह हॉलीडेज वगैरह आ रहे हैं उसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर सकूंगा। तो ये है कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो कार्ड के ऊपर होगी, तो वो मिस नहीं कीजिएगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर वीडियो ऐसी लगती है शेयर करने वाली तो शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा काम है इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। आप मेरे से नहीं ले रहे, आप पाकिस्तान में हो या मैं तो खैर कराची में हूँ, आप पाकिस्तान में लाहौर में हो, इस्लामाबाद में हो, कहीं दूसरी जगह हो जहाँ पे आप ये चीज़ नहीं मंगा सकते। खैर, बाय द वे हम लोग ऑनलाइन डिलीवरी भी COD भी कर देते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी कर देते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, आप किसी दूसरी जगह पे जाते हो तो आप ये बिल जाके ये स्पेक्स जाके बता के उससे ये वाली चीज़ बना सकते हो और आपको पैसों का भी आइडिया है कि मैंने पैसे क्या बताए। मैं तो कोई आपको मतलब आसानी से कोई बंदा स्कैम नहीं कर सकता, कोई चीज़ आपको फॉल्टी नहीं दे सकता, मैं आपको हर चीज़ के बारे में शुरू से गाइड करता रहता हूँ। अब मैं काफ़ी सारी चीज़ों में लमसम चलता हूँ, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मैं
जो मेरी शुरू की वीडियो, अगर जो बंदा शुरू से मेरी वीडियो देखेगा ना, मैं एक एक चीज डिस्क्राइब करता था, रैम में साइकिल स्पीड क्या होती है, रैम की मेगाहर्ट्ज क्या फर्क करती है, जो आपकी एसएसडी है उसकी क्या स्पीड फर्क होता है, हार्ड ड्राइव के कंपैरिजन में क्या फर्क होता है, मैं सारी वीडियो में अपनी शुरू की वीडियो से बताता हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आप शुरू से मेरी वीडियो भी, जो मेरे फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो उससे देखेंगे, तो मैं काफी थोड़ी वीडियो लंबी है लेकिन उसमें मैं हर चीज पर्सनली एक एक पर्टिकुलरली चीज मैंने डिस्क्राइब की हुई है उसके अंदर। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर उन बंदे को कीजिए जिनको बिल्ड बनानी है, उनको आइडिया नहीं है, तो आप उनको शेयर कर दें तो उनको एक आइडिया हो जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।